गाइज, हम सब बचपन से बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, हमारा चेहरा बहुत स्मूथ होता है, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं हम बहुत ज्यादा अगली, बहुत ज्यादा कुद्रूप होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब हम बड़े होने लगते हैं हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जो हमें कुद्रूप, बहुत ज्यादा अगली बना देती है और हमारे चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है। आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जो आप रेगुलर करते हो, जिसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है और जिस वजह से आप हैंडसम नहीं दिख पाते हो। चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिखने लोगो, सुंदर दिखने लोगो, तो इन 10 गलतियों को करना बंद कर दो। नंबर 1 मिस्टेक, मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन करना एक अभिशाप है लड़कों के लिए, ये आपके अंदर की सारी शक्तियों को छीन लेता है, आपके अंदर के सारे विटामिन प्रोटीन जो भी होती है सब खत्म कर देता है। जब आप मास्टरबेशन करने लगते हो आपका फेसियल फीचर खत्म हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, पूरी तरह से आपका चेहरा एकदम कुद्रूप लगने लगता है। यह आपके पाचन तंत्र को भी खराब कर देता है, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, आपके अंदर की शक्तियों को खत्म कर देता है, आप कमजोर हो जाते हो एकदम अंदर से। बेसिकली इस चैनल पे हम एक मुहिम चलाते हैं जिसमें भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं ब्रह्मचर्य करने के लिए। हमने एक बुक भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक इतना ज्यादा पावरफुल है, इसको हमारे टीम ने बहुत मेहनत से बनाया। इस बुक को जिसने भी पढ़ा है उसका पूरा एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन, गंदे वीडियोस देखने के एडिक्शन खत्म हो गए हैं पूरी तरह से। 100% एक्यूरेसी रेट के साथ ये बुक है। इस बुक को जिसने भी पढ़ा है उसकी जिंदगी बदल गई है। सेकंड है बार बार स्किन को टच करना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बार बार स्किन को टच करते हुए, कोई भी हरकत कर रहे हैं स्किन को टच कर रहे हैं, घर का जाला साफ कर रहे हैं और साफ करते करते स्किन को टच कर रहे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, उंगली डाल के फेस को टच कर रहे हैं। याद रखना हमारा जो फेस होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब कहीं से भी कुछ भी छूते हो और फेस को टच करते हो बैक्टीरिया फैलता है आपके चेहरे पे। कुछ भी छू के बार बार चेहरे को टच करने से चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं बिकॉज बैक्टीरिया फैलती है हमारे चेहरे पे। थर्ड मिस्टेक, खुद से कहना दैट आई एम अगली। एक और रीजन जिस वजह से आप कुद्रूप दिखते हो, अगली दिखते हो, वो है आप खुद को खुद ही बोलते हो कि आप अगली हो। हम हैंडसम है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, यार तू बहुत हैंडसम है, और लोग अगर हमारी तारीफ नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं यार मैं तो हैंडसम हुई नहीं, मैं तो बहुत कुद्रूप हूँ, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं। यकीन मानो अगर आप अच्छे भी दिखते होगे तो ये थॉट प्रोसेस कि मैं अगली हूँ, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं, लोग मेरी तारीफ नहीं करते हैं, ये थॉट प्रोसेस आपको अगली ही बनाकर रख देता है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही बनते जाओगे। मिस्टेक नंबर 4, लो हाइड्रेटेड रहना। हमारे चेहरे पे ग्लो कैसे आती है, कभी आपने सोचा है? जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा खून होता है हमारे चेहरे पे ग्लो आती है, हमारा चेहरा लाल लगने लगता है, एकदम अच्छा लगने लगता है। पानी से खून बनता है और पानी हमारे बॉडी को पूरी तरह से क्योर करती है, पूरी तरह से प्योर करती है। अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो आप कैसे हैंडसम बनोगे, आप खुद सोचो। जब आप 12 से 13 ग्लास पानी पीते हो रेगुलर तो ये आपके बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लो लाती है, आप बहुत ज्यादा ग्लो करने लगते हो, जिस वजह से आप काफी ज्यादा हैंडसम दिखने लगते हो। तो याद रखना पानी पीना मत भूलना। अगर आप भी मेरी तरह बिजी होते हो और भूल जाते हो कि मुझे पानी पीना है, ऐसे सिचुएशन में आप अलार्म लगा कर रख सकते हो। कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें अलार्म का ऑप्शन आता है, यानी पानी पीने का वो रिमाइंड कराता रहेगा आपको। पॉइंट नंबर 5, खाते वक्त पानी पीना। पानी पीने का सही प्रोसेस हर इंसान को पता होनी चाहिए। जनरली पानी पीने का प्रोसेस लोगों को पता नहीं होता और जिस वजह से वो गलत पानी पीते रहते हैं। गलत पानी इन द सेंस गलत पानी नहीं पीते हो आप, पानी जो है एग्जैक्टली वही पीते हो लेकिन गलत टाइम पर पीते हो। पानी पीने वक्त सबसे बड़ा जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है खाते वक्त पानी पीते हैं या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंदा चीज है। खाते वक्त या फिर खाने के बाद हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जब खाना हमारे पाचन तंत्र में जाता है वो एकदम फास्टली वर्क करने लगता है, एकदम आग सी लग जाती है उसमें, ठीक है, उसको जलाने में, भस्म करने में, पचाने में लग जाता है। लेकिन जब पानी पीते हैं तो एकदम स्लो हो जाता है, वो आग बुझ जाती है। तो याद रखना खाने टाइम या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, हैंडसम नहीं दिख पाएंगे। वैसे एक चीज बता दूं, हैंडसम अगर दिखना है तो पानी पीने का फुल प्रोसेस जान लो, पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, अगर वो जान गए ना तो हैंडसम ऑटोमेटिकली दिख लो। कई ऐसे लोगों ने दावा किया है कि पानी पीने का सही तरीका अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी हैंडसम दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे। अगर आपको पानी पीने का सही तरीका क्या है इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। अगर कमेंट में मुझे डिमांड लगेगा मैं पक्का इस पर वीडियो बनाऊंगा। मिस्टेक नंबर 6, बहुत मसालेदार खाना खाना। मैंने अक्सर देखा है लोगों को बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अगर आप खाने के लिए जीते हो तो याद रखना बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। बहुत से लोगों को देखा है जंक फूड, चिकन वगैरह बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह खाते रहते हैं। याद रखना एक चीज, ये दो तरह से आपके बॉडी को खराब करता है, पहला तो हेल्थ खराब करता है और दूसरा आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। स्पाइसी खाना पेट खराब करता है,
लिवर की समस्या को उत्पन्न कर देता है और सबसे बड़ी बात नींद को खराब कर देता है। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। त्वचा क्या, यानी आपका फेस। स्पाइसी खाना खाकर बाथरूम में आग उगलने से अच्छा ऐसा खाना खाओ जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो और ज़्यादा स्पाइसी ना हो। मिस्टेक नंबर 7, सनलाइट में घूमना। अगर आप यंग एज में हो तो आप में एक चीज़ कॉमन होगी कि आप सनलाइट में घूमते होगे। मे भी खेलने के लिए, मे भी घूमने के लिए, कोई भी ऐसा एक्टिविटी करने के लिए अगर आप सनलाइट में घूमते हो, मैं आपको अवेयर कर दूं कि सनलाइट बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए। लेट मी फिनिश। अब मैंने बोला सनलाइट हानिकारक है, आप चले जाओगे कमेंट में, अबे भाई तुमने बोला था कि सनलाइट बहुत अच्छा होता है, सुबह का सनलाइट बहुत अच्छा होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। भाई सुबह का सनलाइट अच्छा होता है, सुबह में सच में उठो तब अच्छा होता है, दिन का नहीं अच्छा होता है। दिन में अगर धूप में घूमोगे बाहुबली के कालकाय बन जाओगे, लिख के ले लो। जहाँ सुबह में सूरज की किरणें हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, वहीं दिन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारी स्किन को। अगर हैंडसम दिखना चाहते हो तो ये मिस्टेक करना छोड़ दो, भले घर में रहना पड़े, भले मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़े, लेकिन सूरज की किरणें मत लगने दो चेहरे पे दिन में। बेंचो हम हैंडसम दिख के रहेंगे, भले धूप में ममीज की तरह कपड़ा लपेट के जाना पड़े, लेकिन हैंडसम दिख के रहेंगे। मिस्टेक नंबर 8, लेट नाइट सोना और लेट उठना। टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना है? मैंने ही बताया होगा, बताया तो बहुतों ने होगा यूट्यूब पे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्किन के लिए, याद रखना। और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, सबसे बड़े सोर्सेज बता रहा हूँ, पहला सोना और दूसरा होता है नोफैब। अब नोफैब के बारे में मैं तो बताता ही रहता हूँ क्योंकि उसकी डीलरशिप ले रखी है मैंने। बात बची अब सोने की, तो सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है इससे। आप बिलीव नहीं करोगे, नोफैब करने से ज़्यादा सोने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम पर उठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 9, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना। कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर आप करते हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। एक साथ कोई मूवी देखना 2-3 घंटे का, एक साथ कोई काम करना 2-3 घंटे तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है फ़ोन या लैपटॉप में। यह आपके हेल्थ पर, आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता आप गूगल कर सकते हो इस टॉपिक पर। पहला तो रेडिएशन निकलता है फ़ोन से, उस वजह से भी हार्मफुल है, उसे अवॉइड भी कर दें फिर भी हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो कभी भी कंटिन्यूसली फ़ोन यूज़ मत करो 2-3 घंटे तक, बीच में ब्रेक ले लिया करो। मिस्टेक नंबर 10, हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। हैंडसम लुक इज ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, कितने आप क्लीन रहते हो उससे आप कितने हैंडसम हो ये डिसाइड होता है। हैंडसम दिखना यानी गोरा होना एक इमेज बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रजनीकांत काले हैं, अल्लू अर्जुन काले हैं, लेकिन फिर भी वो हैंडसम दिखते हैं क्योंकि वो क्लीन रहते हैं। अगर आप कालकाय की तरह 10 दिन नहाओगे ही नहीं तो आप कौवे ही दिखोगे ना। तो हैंडसम दिखने का एक बहुत बड़ा मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा क्लीन रहो, साफ सुथरा रहो। तो ये 10 mistakes अगर आपने अवॉइड कर दिया, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखोगे, ये आपके भाई समर की गारंटी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट फ्री में मैं लाता रहता हूं। मोटिवेशन, फाइनेंस, रिलेशनशिप एडवाइस या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल आप कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ और आपको अमेजिंग टिप्स देके आपकी लाइफ चेंज करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। वीडियो को दबा के शेयर करें उन लोगों से जिनको इनकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।